हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा वन पीस के फिफ्थ एपिसोड को, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिफ्थ एपिसोड की शुरुआत होती है ऑरेंज बाल वाली लड़की से, जो आसमान की तरफ देख रही होती है। और वह आसमान की तरफ इसलिए देख रही होती है क्योंकि लूफी ऊपर से गिर रहा होता है, और लूफी ऊपर से इसलिए गिर रहा होता है क्योंकि कैप्टन बगी के चेले उस पर तोप चला देते हैं। आसमान से गिरने के बाद जैसे ही लूफी ज़मीन पर आता है तो वह बोलता है, नाउ आई एम सेफ। लूफी और ऑरेंज बाल वाली लड़की एक दूसरे को देखते हैं। फिर ऑरेंज बाल वाली लड़की भागते भागते लूफी के पास जाती है और लूफी से बोलती है, बॉस अब आ गए हैं, अब मैं सेफ हूँ। तो लूफी सोचता है ये मुझे बॉस क्यों बोल रही है। फिर कैप्टन बगी के चेले भी उन्हें देख रहे होते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये लड़की लूफी के साथ है। फिर ऑरेंज बाल वाली लड़की भागने लगती है और लूफी से बोलती है कि बॉस आप इन्हें देख लेना। और फिर कैप्टन बगी के जो चेले हैं वह सोचते हैं कि लूफी इसके साथ है, इसलिए वह उसको पकड़ लेते हैं। ऑरेंज बाल वाली लड़की के जाने के बाद लूफी उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है। इतने में उनमें से एक पायरेट लूफी को घूंसा मार देता है, जिससे लूफी की हैट हवा में उड़ने लगती है। लूफी को यह देख के बहुत गुस्सा आता है और वह लंबे हाथ करके अपनी हैट पकड़ता है और गुस्से में उस आदमी को घूंसा मार देता है और बोलता है, मेरे खजाने को हाथ मत लगाना। और फिर लूफी गम गम पिस्तौल बोलता है और लंबे हाथ करके सभी को घूंसा मार के ढेर कर देता है। यह ऊपर से ऑरेंज बाल वाली लड़की देख रही होती है और लूफी से बोलती है, वाओ यू आर वेरी स्ट्रांग। तो लूफी पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम हो कौन। तो वह कहती है, तुम ऐसे लंबे हाथ करके सबको कैसे मार देते हो। और वह फिर उसका नाम बताती है कि उसका नाम नामी है। फिर वह बोलती है कि वह एक चोर है और वह सिर्फ पायरेट्स को ही लूटती है, और बोलती है कि मुझे अपनी टीम में ले लो। तो लूफी बोलता है कि मुझे तुम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से जाने लगता है। फिर नामी उसका पीछा करने लगती है तो लूफी बोलता है कि उसे बहुत भूख लग रही है। तो नामी बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। तो लूफी बोलता है, सच में। फिर सीन शिफ्ट होता है कैप्टन बगी के हेडक्वार्टर तरफ का, जहाँ पे बात चल रही होती है कि एक चोर को पकड़ना है, और वह चोर होती है नामी, जिसने चार्ट चुराया होता है। और फिर कैप्टन बगी का आदमी गलती से उसके नाक की मजाक उड़ा देता है और उसके सभी आदमी डर जाते हैं और बोलते हैं कि अब ये अपने डेविल फुट की ताकत दिखाएगा। फिर कैप्टन बगी उस आदमी को बिना हाथ लगाए हवा में उड़ा देता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तो वह आदमी कैप्टन बगी से बोलता है कि आगे से ये गलती नहीं होगी। तो कैप्टन बगी उसको छोड़ देता है और वह आदमी उसके सामने सर झुका लेता है और बोलता है कि आगे से ये गलती मुझसे नहीं होगी। फिर हमें लूफी दिखाया जाता है जो खाना खा रहा होता है नामी के साथ बैठ के, और वह फिर नामी से पूछता है कि क्या ये घर तुम्हारा है। तो नामी बोलती है कि ये घर मेरा नहीं है, ये घर विलेजर्स का है, और ये सारे विलेजर्स कैप्टन बगी के डर से ये विलेज छोड़ के चले गए हैं। तो लूफी नामी से बोलता है कि चोर तो आखिर चोरी होता है, चाहे वह कैसे भी हो। तो नामी बोलती है कि मजाक मत करो, मुझे 100 million berries जमा करनी है, चाहे कैसे भी। फिर नामी बोलती है कि मेरे पास ग्रैंड लाइन का मैप है, अब शायद ये चीज़ पॉसिबल हो। तो लूफी बोलता है कि क्या तुम नेविगेटर हो, तुम्हें रास्ता देखना आता है। फिर नामी रिप्लाई करती है कि हाँ, मैं बहुत अच्छी स्किल्ड नेविगेटर हूँ। तो लूफी बोलता है कि हमें एक और क्रू मेंबर मिल गया, तुम मेरे साथ चल सकती हो। तो नामी लूफी से बोलती है, क्या तुम पायरेट हो। तो लूफी बोलता है, हाँ हम पायरेट हैं, और मैंने जिस बंदे से ये हैट ली है उससे मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं एक दिन पायरेट का किंग बनूंगा। तो नामी बोलती है कि मुझे पायरेट से बहुत नफरत है। और फिर वह खिड़की के बाहर देखती है जहाँ पर दो आदमी उसे पकड़ने की बात कर रहे होते हैं। तो नामी दिमाग लगाती है और लूफी से कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे क्रू में ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें मेरी कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। तो लूफी बोलता है कि कौन सी शर्त, मैं तुम्हारी हर शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूँ। फिर नामी लूफी को रस्सी से बांध देती है और कहती है कि मैं तुम्हें दूसरे पायरेट से मिलाने ले जा रही हूँ। तो लूफी बोलता है, ठीक है मैं तैयार हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कैप्टन बगी जो गुस्सा कर रहा होता है और बोलता है कि चोर को जल्दी से मेरे सामने लेके आओ। फिर नामी लूफी को कैप्टन बगी के सामने फेंक देती है और कहती है कि यह बंदा है जिसने आपका मैप चुराया था, और उसे अपना मैप दे देती है। मैप मिलने के बाद कैप्टन बगी बहुत खुश होता है। तो नामी उससे पूछ लेती है कि क्या आप मुझे अपने क्रू में शामिल करोगे। तो कैप्टन बगी बोलता है, ठीक है। फिर नामी मन ही मन सोचती है कि पायरेट्स को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है, और मैं बाद में इन्हें भी लूट लूँगी। और फिर हमें दिखाया जाता है लूफी जिसे कैप्टन बगी ने पिंजरे में बंद कर दिया है। फिर नामी की आने की खुशी में कैप्टन बगी एक पार्टी रखते हैं जिसमें सब लोग खाना खा रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। और फिर नामी कैप्टन बगी को अपने क्रू में शामिल करने के लिए थैंक यू बोलती है, और फिर मन ही मन सोचती है कि आखिर में ये कितना बुद्धू इंसान है, मैं इसका सारा खजाना लूट लूँगी। और फिर लूफी को दिखाया जाता है जो पिंजरे में से अपना हाथ लंबा करके एक ब्रेड को लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है जिसकी वजह से वह ब्रेड नहीं ले पाता है। फिर कैप्टन बगी दिखाया जाता है जो बोलता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी स्पेशल बॉल तैयार किया जाए।
फिर कैप्टन बगी का एक आदमी उसकी स्पेशल बगी बॉल लेके आ रहा होता है और नामी के साथ साथ सारे आदमी डर जाते हैं और फिर नामी सोचती है कि आखिर ये स्पेशल बगी बॉल में है क्या। फिर एक तोप होती है जिसको विलेज की तरफ कर दिया जाता है, तो लूफी ये देख के सोचता है कि आखिर ये करने क्या वाला है, और फिर एकदम से तोप चलाई जाती है जिससे सबकी आँखें चौंध जाती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है क्योंकि तोप की गोली जाके टाउन में गिर जाती है और घर फिर से टूटने लगते हैं। यह सब बोट में खड़े होकर जोरो देख रहा होता है और पीछे से आदमी भी बोलते हैं कि यह सब कैप्टन बगी का कमाल है। और फिर कैप्टन बगी दिखाया जाता है जो बोलता है कि कैप्टन बगी की स्पेशल पावर से और डेविल फ्रूट की स्पेशल पावर से मैं जितना भी ग्रैंड लाइन का खजाना है सारा लूट लूँगा। फिर लूफी पीछे से बोलता है कि मैं वह बंदा हूँ जो ग्रैंड लाइन जीतेगा, तो नामी बोलती है कि यह अभी बहुत छोटा है, यह दुनिया को हल्के में ले रहा है, इसे अभी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर कैप्टन बगी बोलता है कि नामी आज मेरी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए लूफी को मारेगी, वो भी इस तोप की मदद से। तो नामी बोलती है कि इसकी क्या ज़रूरत है, तो कैप्टन बगी ज़बरदस्ती उसके हाथ में माचिस पकड़ा देती है और पीछे से कैप्टन बगी के आदमी बोलते हैं कि फायर फायर फायर। फिर नामी बहुत कंफ्यूज भी होती है और दुखी भी होती है और पीछे से लूफी शैंक्स का डायलॉग बोलता है कि इस माचिस में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दो। नामी आग नहीं लगा रही थी और देरी हो रही थी, तो कैप्टन बगी के एक आदमी उससे माचिस छीनता है और माचिस जलाता है और बोलता है कि ऐसे लगाई जाती है आग, और वह उस तोप में आग लगा देता है। नामी को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी जेब से फोल्डिंग स्टिक निकालती है और वह उस क्लाउन को वहीं पर ढेर कर देती है। इस बात से कैप्टन बगी बहुत गुस्सा होता है और नामी से पूछता है कि ये कैसा बिहेवियर है, तो नामी बोलती है आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे पता नहीं था ये जल्दबाजी में मुझसे क्या हो गया। और फिर कैप्टन बगी खुद ही तोप में आग लगा देता है जिससे लूफी बहुत डर जाता है और कैप्टन बगी बहुत खुश होता है और अपने आदमी को भेज देता है नामी को मारने के लिए, और नामी उन आदमियों से लड़ रही होती है और लूफी इस बात से बहुत घबरा जाता है और नामी को बोलता है कि जल्दी से पानी लेके आओ। तो नामी जल्दी से जाती है और उस तोप में जहाँ पर आग लग रही होती है वहाँ पर उसे अपने हाथ से पकड़ लेती है और आग को ब्लॉक कर देती है जिससे उसका हाथ बहुत जलने लगता है और नामी चिल्लाने लगती है। लूफी ये सब देख के बहुत हैरान होता है और सोचता है कि वह ये सब इसके बचाने के लिए कर रही है। और फिर कैप्टन बगी के आदमी वापस से उसको पीछे से जैसे ही हमला करने वाले होते हैं, तो नामी डर के कारण आँख बंद कर लेती है पर उसे पीछे से कोई भी नहीं मार पाता है। और फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पर जोरो पहुँच चुका है और फिर जोरो उनसे बोलता है कि तुम सब मिलके एक लड़की पर हमला कर रहे हो, तुम कैसे मर दो। फिर लूफी बोलता है कि अब तो जोरो आ गया है, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर जोरो नामी से पूछता है कि क्या तुम्हें चोट लगी है, तो नामी बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। जोरो का नाम सुनते ही कैप्टन बगी के जितने भी आदमी होते हैं वह बहुत डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने बाउंटी हंटर जोरो का नाम सुना था। इतने में कैप्टन बगी बोलता है कि अब मैं इसे मारूंगा और अपना नाम और ऊंचा करूंगा। तो जोरो बोलता है तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार लो क्योंकि अब मैंने पायरेट हंटिंग छोड़ दिया है। और फिर जोरो मुंह में एक तलवार और अपने दोनों हाथों में एक एक तलवार पकड़ लेता है, तो कैप्टन बगी बोलता है कि मेरे सामने थ्री स्टाइल काम नहीं करेगी। फिर जोरो उसका एक हाथ और एक पैर काट देता है। तो लूफी बोलता है ये तो बहुत कमज़ोर आदमी था। और फिर ये सब देखने के बाद कैप्टन बगी के जितने भी आदमी होते हैं वह जोर जोर से हंसने लगते हैं, तो लूफी और नामी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इनका तो कैप्टन मर गया फिर भी ये लोग खुश हो रहे हैं। और फिर अचानक से जोरो के पेट में पीछे से कोई तलवार घुसा देता है और जब जोरो पीछे पलट के देखता है तो हवा में एक कटा हुआ हाथ तलवार लेके उड़ रहा होता है। और फिर वह कटा हुआ हाथ कैप्टन बगी के पास चला जाता है और उससे जुड़ जाता है। और फिर कैप्टन बगी हंसते हुए बोलता है कि चॉप चॉप, मैंने ये फल खाया है। लूफी ये सब देखने के बाद हैरान होता है और कहता है ये तो राक्षस है। और फिर जोरो बोलता है कि मुझे पहली बार इतनी दर्द हो रहा है। तो फिर लूफी बोलता है कि बड़ी नाक वाले तूने चीटिंग की है, तूने पीछे से उसे तलवार घुसाया है। फिर नामी लूफी से बोलती है कि इडियट, इसे ये सब मत बोलो नहीं तो यह तुम्हें भी मार देगा। तो कैप्टन बगी जो होता है वह अपनी नाक पे कुछ भी जोक बर्दाश्त नहीं करता है और अपना कटा हुआ हाथ लूफी के पास पहुंचता है उसे मारने के लिए। पर लूफी वह तलवार को अपने दांतों में फंसा लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, और जोरो को भागने के लिए बोलता है। और फिर लूफी जैसे ही उसे भागने के लिए बोलता है उसके बाद लूफी के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है जिससे जोरो ये समझ जाता है कि लूफी का प्लान क्या है। और फिर जोरो बोलता है ठीक है मैं समझ गया, और फिर जोरो कैप्टन बगी से वापस से तलवारबाजी शुरू कर देता है। फाइट के बीच अचानक से जोरो वापस से भागने लगता है जिससे कैप्टन बगी बोलता है कि डरपोक तू फिर से भागने लगा। तो जोरो जाता है तोप के पास और तोप को अपने हाथों से उठा के पीछे की साइड कर देता है। और फिर कैप्टन बगी को पता चलता है कि लूफी का प्लान क्या था क्योंकि जोरो ने तोप का मुंह कैप्टन बगी के साइड में कर दिया था और फिर नामी उसमें आग लगा देती है।
और फिर जोरो और नामी अपनी कान बंद कर लेते हैं धमाके की आवाज़ से बचने के लिए, और फिर एक जोर का धमाका होता है और फिफ्थ एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।